अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है। मामा आर्ट किचन में मेरे घर का एड्रेस है, किसी को चाहिए होगा तो बताना प्लीज, मैं दे दूंगी अपने घर का एड्रेस, लेकिन प्लीज मुझे गिफ्ट सेंड करना ठीक ना, मुझे लगा मेरा मेल पेंट तो खराब हो जाए। तो फाइनली ये कुछ ओपन हो गया मेरे लिए। एंड वेलकम अगेन टू माई लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉगिंग चैनल। मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा मामा अर्थ का अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। मैंने कुछ दिनों पहले ही मामा अर्थ से जो मैं स्किन क्रीम जो मैं यूज करती हूँ उसे ऑर्डर किया था, तो ये मुझे कल ही रिसीव हुआ, लेकिन कल मैं थोड़ी सी बिजी थी इस वजह से मैंने कल इसका रिव्यू नहीं किया। तो मैं आज फ्री हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ इसे शेयर करूँ कि ये क्या है, कैसा है और क्यों ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। सबसे पहले और ये कुछ इस तरीके की, मैंने इसे मामा अर्थ के ऐप से ऑर्डर किया था, और क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो इसलिए मुझे कुछ कूपन मिले हुए थे, तो मैंने इसमें उसी को अप्लाई करके खरीदा है। तो ये मुझे काफ़ी डिस्काउंट में भी मिला है, काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। ओके, तो ये मुझे रिसीव हुआ, ये दोनों प्रोडक्ट मिला करके मुझे 650 रुपीज में मुझे ये रिसीव हुआ। तो MRP मैं आपको बता देती हूँ, पहले से खोल लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है, मामा अर्थ के ऐप से मैंने इसे ऑर्डर किया था, पीछे में मेरे घर का एड्रेस है। तो चलो सबसे पहले मैं इसे ओपन करती हूँ। ये ओपन करना हमेशा से मेरे लिए काफी टफ रहता है, मुझसे होता नहीं है ये जल्दी से। तो फाइनली ये कुछ ओपन हो गया मेरे से। मैंने दो चीज़ें इसमें से ऑर्डर करी थी जो कि मेरी फेवरेट है। पहला है ओप्टन डे क्रीम, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट क्रीम है, मैं इसे हमेशा हमेशा यूज़ करती हूँ, और क्यों यूज़ करती हूँ वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने स्किन इल्यूमिनेट सीरम, फेस सीरम ऑर्डर किया था, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ये परचेस है। मैंने इसके पहले इस सीरम को यूज़ नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है अपनी फ्रेंड से, वो उसे ये काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे थोड़ा ट्राई करूँ, देखूँ इसके बेनिफिट्स क्या है नहीं है। तो चलो मैं सबसे पहले आप ये ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ ये कैसा होता है। तो ये जो क्रीम है इसकी ओरिजिनल MRP है 599 रुपीज, लेकिन मुझे क्योंकि मैंने इस मामा अर्थ के ऐप से ऑर्डर किया है, और मामा अर्थ के ऐप में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ कोड, कूपन कोड वगैरह अवेलेबल होते हैं जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मुझे ये क्रीम 450 रुपीज में ये क्रीम मुझे मिल गई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था इसमें। तो ये कुछ इस तरीके की है, मेरी ये फेवरेट है। पता है क्यों मेरी ये फेवरेट है, चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी जो स्किन है ना वो काफ़ी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये ठंड वाले टाइम पे क्या होती है ना, काफ़ी ड्राई हो जाती है कहीं कहीं पर, और इसमें ना मेरे वाइट पैचेस हो जाते थे। तो जब से मैंने इस क्रीम को अप्लाई किया है अपने फेस के ऊपर, मुझे आज तक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ये ऑयल स्किन टाइप है, तो मुझे लगता है कि ये सच में है, क्योंकि मेरे स्किन काफ़ी कॉम्बिनेशन है, कहीं कहीं पे मेरे स्किन ना काफ़ी ऑयली है और कहीं कहीं पे काफ़ी ड्राई है। तो मेरे स्किन ठंड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और इसमें वाइट पैचेस हो जाते हैं, और गर्मी के टाइम पे क्या होता है ना कि ये काफ़ी ऑयली हो जाती है। लेकिन जब से मैंने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, मैंने इसके दो बॉटल्स पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, तो मैंने इसे जब से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है ना, मुझे नहीं लगता कि मेरे स्किन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ भी। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मेरी दीदी की शादी थी, तो उस टाइम पे मेरा बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा होता था, जिसके वजह से मैं पूरे पूरे दिन मास्क लगाए रह जाती थी। तो मास्क की वजह से ना मेरे स्किन में काफ़ी इरिटेशन हो गई थी, मेरे स्किन में मास्क वाले पिम्पल्स जो कि बहुत ख़राब होते हैं वो हो गए थे, जिसके वजह से काफ़ी सारे डार्क स्पॉट्स हो गए थे। तो मैंने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है उस चीज़ के लिए भी। तो ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, ये ऑल स्किन टाइप है, बहुत अच्छी होती है। चलो मैं दिखाती हूँ, इसका बेस कुछ इस तरीके का होता है। ये जेल बेस में नहीं है, ये क्रीम है, और ये काफ़ी
स्किन को ना इतना सॉफ्ट करती है, काफी अच्छी क्रीम है ये। ममा अर्थ का जो ये उपटन है इसका जेल बेस भी आता है, मैंने देखा है फ्लिपकार्ट में और ममा अर्थ के ऐप में ये अवेलेबल है। तो अगर आप क्रीम बेस यूज नहीं करना चाहते हो तो आप जाकर के इसका जेल बेस भी ले सकते हो, काफी अच्छी है वो भी। क्योंकि उपटन, ममा अर्थ के उपटन वाले जितने भी रेंज है ना, मुझे सारे बहुत पसंद है। तो वो तो था, चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम। तो ये मेरा फर्स्ट परचेस है इस फेस सीरम का। मैंने इसके पहले ममा अर्थ के फेस सीरम्स यूज किए हैं लेकिन ये मैंने यूज नहीं किया है। तो ये मैं देखती हूँ कैसा निकलता है। ये भी नहीं निकल रहा मुझसे। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है, काफी छोटू सा है और बहुत क्यूट सा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। सॉरी, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और इसका एप्लीकेटर कुछ अलग है। एक्चुअली मैंने जितने भी ममा अर्थ के सीरम यूज किए हैं ना, उसके साथ वो एक ड्रॉप वाला जो होता है वो देते हैं, पर इसका एप्लीकेटर देखो ये इस तरीके से, ये पंप वाला है तो पंपिंग करने पे ये निकल आएगा। इसकी जो एमआरपी है, इसकी ओरिजिनल एमआरपी जो है वो है 349, लेकिन मैंने इसे भी ममा अर्थ के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ममा अर्थ के ऐप से ऑर्डर किया था, तो ये मुझे लगभग 200 के आसपास मिला था। मतलब मुझे 150 रुपीज का इसमें वो मिला था, डिस्काउंट मिल गया था। जब मैं ये ऑर्डर कर रही थी ना, तब ममा अर्थ में सेल वाला कुछ था, वेडनेसडे सेल वाला। चलो मैं इसे भी आपको खोल करके दिखाती हूँ। ये भी, ये जो सीरम है, ये सीरम भी क्रीम बेस है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि ये ड्रॉप वाला होगा। जो फ्रेग्रेंस है वो काफी माइल्ड है, बहुत बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और ये बहुत मतलब ये मेरे स्किन को देखो, ये इतना सॉफ्ट सा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं इसे परचेस कर रही थी तब मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि ये ऑल स्किन टाइप्स है और ये स्किन को काफी सॉफ्ट करेगा, साथ ही साथ स्किन टोन जो है उसे भी इन्हांस करता है, डार्क स्पॉट्स हो तो उसे भी कम करने में हेल्प करता है। तो ये मुझे काफी पसंद आया था। अब मैं इसे यूज करूंगी, उसके बाद ही मैं इसे बता सकती हूँ कि ये कैसा है। तो इसके अलावा एक और चीज है जिससे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत उत्सुक थी मैं वो शेयर करने के लिए, और वो है ये स्किन करेक्टर सीरम। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं इसकी इतनी बड़ी वाली फैन हूं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं इसे एवरीडे यूज करती हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग दो बार, और मुझे ये काफी 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 ज्यादा पसंद है। वजह भी मैं बता देती हूँ, जैसा इसका नाम है ना, उससे मुझे लगता है दो गुना ज्यादा इसका काम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे फेस में काफी डार्क स्पॉट्स हो गए थे, तो मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया और मैं आपको बताती हूँ, एक वीक के यूज के बाद से ही मुझे इसका असर नजर आने लगा था। मेरे डार्क स्पॉट्स बहुत बहुत ज्यादा कम हो गए थे। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो ना जिनकी स्किन काफी ऑयली है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स है, तो आप इस सीरम को जरूर यूज करना, बहुत बहुत अच्छी है। और मैंने इसे दो बार ही लेकर के यूज किया हुआ है, अब ये खत्म होने लगी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, इसलिए मैंने ये मंगाया है। मैं इसे यूज करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी ये एक्चुअली है कैसा। तो चलो ये तो थी प्रोडक्ट रिव्यू जो था वो। अब चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप ममा अर्थ के इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हो और अपनी स्किन को कैसे ग्लोई ग्लोई बना सकते हो। तो चलो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लो। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ममा अर्थ का उपटन फेस वॉश। जैसा कि मैंने बताया, मैं उपटन रेंज की बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे पास आपको उपटन रेंज का सारा कुछ मिल जाएगा सिर्फ सीरम छोड़ करके, क्योंकि मेरे पास फेस सीरम मुझे वो अवेलेबल नहीं मिला इसलिए। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी फेस वॉश और मैं आऊंगी फेस वॉश करके। तो वैसे मैंने अभी अपने फेस में वैसे भी कुछ अप्लाई नहीं करा हुआ है, मैं बिल्कुल क्लीन स्किन है मेरी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं फेस वॉश करके आती हूँ फटाफट से, ठीक है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, आप जो देख रहे हो ना ये
ये पूरा का पूरा जो मेरा फेस थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है ना, आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, अगर मुझे अच्छा लगता है तो ये जो अच्छा लग रहा है ना, ये पूरा का पूरा मैं श्रेय देना चाहूंगी मामा अर्थ के उपटन रेंज को, क्योंकि उसके यूज के बाद से मेरी स्किन सच में काफी अच्छी हो गई है। अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अप्लाई करूंगी सीरम को, हाथ में लेके अप्लाई कर लेती हूँ। वाव यार, देख रहे हो कैसी ग्लोई ग्लोई सी लग रही है स्किन ना। एक्चुअली मुझे ये बहुत अच्छी पता, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था और इतनी मेरी स्किन सॉफ्ट लग रही है ना कि मैं क्या बताऊं, काफी अच्छा मुझे पसंद आया ये सीरम। और देखो मैंने सिर्फ सीरम अप्लाई किया है और मेरी स्किन मुझे काफी अच्छी ग्लोई ग्लोई सी लग रही है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे और हम अप्लाई करेंगे उपटन डे क्रीम। वैसे आप इसे जैसे भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे ही यूज करना है, बट जेंटल अमाउंट। कोई भी फेस प्रोडक्ट जिसे आप अपने फेस पे यूज कर रहे हो ना, उसे आप अपने नेक पे जरूर अप्लाई करना, नहीं तो क्या होता है ना कि फेस का कलर कुछ और हो जाता और नेक का कलर कुछ और हो जाता, तो प्लीज इस चीज को लेके केयरफुल रहना। तो ये आप देख सकते हो, हालांकि पहले भी थोपड़ा ऐसा ही दिख रहा था लेकिन अभी आप देख सकते हो मुझे ये थोड़ा ग्लोई ग्लोई लग रहा है सीरम के यूज के बाद से, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, या आपने पहले यूज किया है या नहीं, करते हो या नहीं करते हो, आपको ये पसंद है या नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलो अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक, अब मैं आपसे मिलूंगी कुछ और नए कंटेंट्स के साथ, तब तक अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना। बाय।